हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैं अपने खेत पे और आपके साथ में एक नया वीडियो लेके आया हूँ। कुछ लोगों की कमेंट आई थी कि भाई आप खेत वहाँ गांव में रहते हैं तो कुछ ऐसे वीडियो बनाया करें जिस जो खेत में फसल होती हैं उनका। तो हमने की ठीक है, क्यों ना बनाया जाए। आप लोगों की जो पसंद है वो मेरी पसंद है, समझे। तो मैंने सोचा कि चलो आज खेत पे ही पहुँचे, तो हमने सोचा चलो आज अपना मक्का जो है खेत में उसका वीडियो बनाया जाए, समझे। तो मैं आया हूँ दिखाऊंगा कि खेत में क्या क्या है आज कल हमारे खेत में, और मक्का जो है मक्का कैसी होती है, कहाँ कैसी क्या भुट्टे लगते हैं और क्या होता है क्या नहीं। ठीक है, चलो आप आनंद लीजिए फिर उसका। ये हमारा खेत है और ये भुट्टे लगे हुए हैं, दिखा रहे हैं आपको, ये भुट्टे हैं। और आप ये देख रहे होंगे कि कहीं कहीं कटा हुआ छोटा है, कहीं बड़ा हुआ है। तो ये छोटा जो है यहाँ पे, ये देखिए, तो ये जो नहीं गाय वगैरह होती हैं उस लोगों ने खाया हुआ है और उधर नहीं पहुँच पाए हैं, तो इसकी वजह से ये मैंने तार भी लगाया हुआ है। ये देख रहे हो ना, ये सब समझे। अभी मैं बाहर बाहर का आपको व्यू दिखा रहा हूँ, अभी अंदर चल के भी व्यू दिखाऊंगा क्या है क्या नहीं है अंदर, और भुट्टे कैसे हैं, कैसे लगते हैं, क्या होता है क्या नहीं। ठीक है ना, तो चलो अंदर चलता हूँ फिर। तार ही मैंने किया पार और देखिए अब आप लोगों को दिखाऊंगा भुट्टे कहाँ हैं, क्या है क्या नहीं है। ये भुट्टे हैं देखो, ये लगे हुए भुट्टे। ये मक्का है 3401, भुट्टे का मतलब जो नंबर होता है वो है ये, और उसकी अड़ी जो भुट्टा होता है उसका जो है अंदर तक ऊपर तक मतलब ये दाने आते हैं, देखिए है ना, ये ऊपर से नीचे तक पूरा खाली नहीं होता है इसमें, समझे। और ये इसका लंबाई भी बहुत होती है, 7-10 फीट के अबव होती है, देखिए बहुत लंबा है ना। तो बढ़िया है, चलो मेरा गांव भी है और ठीक है। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, कुछ अगर आप देखना चाहते हैं और वीडियो की गांव में क्या फसलें होती हैं, क्या उसको तो उसका वीडियो और बनाया जाए तो बताना, ठीक है, तो मैं वीडियो और बनाया करूँ इसको। क्या शांति है इधर, देख रहे हैं ना नीचे का ये पेड़, बिल्कुल नीचे का है ये। अंदर तो बहुत गर्मी है और बहुत ज़्यादा गर्मी है अंदर, तो मैंने सोचा क्यों ना ही बाहरी से वीडियो लिया जाए, बहुत ज़्यादा गर्मी है और ये किलकिली भी लग रही बहुत ज़्यादा अंदर, समझे। अभी मक्का में दाना हुआ पड़ा हुआ है, अभी तो कम से कम 1-2 महीने लगेंगे इसको पकने में, और 1 महीने तो मान ही लो पकने में लगेगा। और ये पूरी फसल होती है आपकी 3 महीने की, 90 दिन में इसका जो पक मतलब सुरजन्ना और बीज बोया जाता है, 90 दिन में तो पूरा मक्का तैयार हो जाता है ये सर। और चारों तरफ हमारे खेत गांव के आसपास चारों तरफ मक्का ही मक्का है, जैसे कि आप देख रहे हैं, इस तरफ भी है, इस तरफ भी है, और जितनी हरियाली गांव में होती है आजकल उतनी कहीं नहीं होती है, समझे। देखना हर खेत में मक्का ही मक्का है और हर खेत में ही हरा भरा ही रहता है, तभी तो गांव में अच्छा लगता है।
और देख रहे हैं ना आप, और ये मक्का इधर कटी पड़ी हुई है देखो, इसको लोगों ने, इन लोगों की पक गई है मक्का, उन लोगों ने काट के रख दिया अपना। और अब ये सब जो सूख जाएगी ना, तो इसको अलग करके और इसके दाने निकाले जाएंगे। देखो भट्टा लगे हुए हैं, आज किसी ने तोड़ी हुई है ये मक्का, किसी ने तोड़ लिया है, गाय वगैरह ने खा लिया है शायद। और ये देखो गांव में जो कौवा वगैरह खाते हैं, देखो ऐसा खा लेते हैं, देख रहे हैं ना आप, ऐसा चुन लेते हैं बस। और ये धान की खेती है, ये देखिए आप धान, ये धान है सब, समझे। बड़ा गर्मी है आज, ये देखिए, चारों तरफ मक्का ही मक्का दिखाई, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां सब मक्का ही मक्का है। ये देखो